Readies. मैं वायसन मूर्ति ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष विज्ञान दर्शन भिलाई के को संचालन करता हूँ. इसके साथ साथ प्रमुख दो संस्थाएं हैं हमारे भारतवर्ष में, जो आईकास एंड आईफास, ये दो प्रमुख संस्थाएं हैं. इसके साथ साथ मैं बीवी रामन से बहुत ही अधिक प्रभावित होकर इस ज्योतिष के विषय में हम ज्यादा ध्यान लिया है और उनका अभय हस्त मेरे पर है. अभी जो आपका जो बोले हैं विजय विषय जो है, जो बच्चे लोग जो पढ़ते हैं इसका विषय चयन के बारे में, माँ बाप अपना सपना देखते रहते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, उनका सपना है, लेकिन बच्चे का सपना अलग है. तो ये दोनों में टकराव होता है. बच्चा जाता है दूसरे जगह में, माँ बाप सोचते हैं दूसरा, तो ये बड़ा टकराव है. इसमें कभी कभी सफलता पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं. आखिर में फिर जब बच्चा जो जाता है उसी में जाना ही पड़ता है उसको. इसलिए इससे अच्छा है कि एक अच्छे ज्योतिष से परामर्श करें तो माँ बाप के लिए और बच्चे के लिए भी सहूलियत होगी. और जहाँ शिक्षा का केंद्र है विषय के ऊपर में हम जब चर्चा करते हैं, तो हम पहले लग्न कैसा है, अच्छा है कि नहीं, लग्न को देखेंगे और चंद्र को भी देखेंगे. चंद्र जो है माइंड का कारक है, बुद्धि का कारक है. बुद्धि के विषय में जो है चंद्र को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. तो इसके साथ साथ द्वितीय स्थान प्राइमरी एजुकेशन होता है, तृतीय स्थान मिडिल एजुकेशन होता है, उसके बाद में हायर एजुकेशन जो है फोर्थ हाउस होता है. इसके साथ साथ उसका विज्ञान स्थान को भी देखना पड़ता है, पंचम स्थान. जब हम लोग विषय चयन के ऊपर में जाते हैं तो पंचमेश के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना है. ये पंचमेश जो है, ऐसे हम लोग जो पंचमेश कौन सी स्थान से संबंध रखता है, किस किस भावों से संबंध रखता है, भावेश से संबंध रखता है, इसके ऊपर में हम को ध्यान देना है. तो पंचमेश अगर नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस सेकंड हाउस से कनेक्टेड होता है, इलेवेंथ हाउस सेवेंथ हाउस सेवेंथ हाउस से कनेक्टेड रहता है, तब वो आर्ट्स में जाता है. बिजनेस बीकॉम कॉमर्स आर्ट्स इसी से कनेक्टेड रहता है. लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के लिए सेवेंथ हाउस में जो है, टेंथ हाउस के लिए टेंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में जो है मंगल शनि बहुत ही अच्छा टेक्निकल एजुकेशन देते हैं. इससे अगर कनेक्शन होता है तो नाइन्थ हाउस से कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है टेक्निकल एजुकेशन के लिए. इसके साथ साथ है हम लोग को यह देखना चाहिए इन लोग का अच्छा योग है कि नहीं. अगर अच्छा योग रहेगा तो अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा योग नहीं रहेगा तो टेक्निकल एजुकेशन में डिप्लोमा वगैरह लेगा. जब डिप्लोमा लेते हैं तो मैं ज़्यादा हमारा अनुभव से देखा है फिफ्थ लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड का कनेक्शन जब भी रहा वो डिप्लोमा लेते हुए देखा गया. डिप्लोमा के बाद जो है वो हायर एजुकेशन में गया है. इसी प्रकार से डॉक्टर लोग के लिए अगर पंचमेश जो है षष्ठेश अष्टमेश एंड द्वादशेश से जब भी संबंध रखता है तो वो डॉक्टर को देखा है. बायोलॉजिकल सब्जेक्ट लेते हैं डॉक्टर बनते हैं. डॉक्टर बनने के लिए योग रहेगा तो डॉक्टर बनेगा, अगर योग नहीं रहेगा तो पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं, मेडिकल से संबंधित कोई भी विषय में वो काम कर सकता है. जैसा फार्मेसी है और बहुत सारे नर्सेस है, ये सब चीज़ों में वो जा सकता है. इसी प्रकार से और भी आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट आ गया, माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोटेक्निक हो गया, तो इसमें जो है हम लोग को कंप्यूटर है जी, हम लोग को क्या है अन्य सब्जेक्ट मर्करी को ज्यादा ध्यान देना है और राहु को भी ध्यान देना. राहु जो है बहुत ही डीप पिनिट्रेटिंग इंटेलिजेंसी, अधिक इंटेलिजेंसी को जोर देने में काम आता है. राहु अगर बुध जो के साथ में रहता है तो ज्यादा है ना विकसित करता है माइक्रोबायोलॉजी को, नहीं तो कोई भी माइक्रो माइक्रो में कहीं पर भी जाता है तो सूक्ष्मता में जाने के लिए ऐसे सब्जेक्ट में चयन करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है. और कौन सी सब्जेक्ट के बारे में आप पूछ रहे थे? कंप्यूटर के लिए हाँ, दसम स्थान में अगर शुक्र होता है तो कंप्यूटर्स देता है, दसम स्थान में राहु रहता है तो कंप्यूटर्स देता है. लेकिन वो दसम स्थान जो है हमेशा सूखा स्थान होना चाहिए, ड्राई एरिया होना चाहिए, माने वो
भू तत्व राशि हो, वायु तत्व राशि हो, अगर जल तत्व राशि होने से उतना सक्सेस नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलता है। वो जल तत्व राशि अगर बुध रहता है तो वो जनरली एग्रीकल्चर में जाते हुए देखा गया है, और मैकेनिकल साइड में जाते हुए देखा। शुक्र अगर जल तत्व राशि में रहता है और मंगल से भी संबंध रहता है तो मैकेनिकल में जाते हुए देखा हुआ है, इसलिए वो भी हमको ज्यादा देखना है कि राशियों का तत्व को भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक था, परम आवश्यक था। जैसा एरोनॉटिक्स वगैरह है तो उसको वायु तत्व का राशियों को देखना है। वायु तत्व राशि का मतलब तो मिथुन हो गया, तुला हो गया, तुला के साथ साथ जो है कुंभ राशि एक हो गया, इनसे अगर कनेक्टेड है और अच्छा एलिवेटेड है, राहु वगैरह एलिवेटेड है के, तो एलिवेटेड तो वो जरूरी जो है एरोनॉटिक्स वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं।